कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर भगवान के घर से बनकर आती हैं, लेकिन कई बार कोई ना कोई ऐसा शख्स जिंदगी में जरूर होता है जिसकी वजह से कोई इंसान अपने सच्चे हमसफर तक पहुंच जाता है। और ऐसा ही कुछ काम किया एकता कपूर ने भी। जी हां, कुमकुम भाग्य फेम एक्टर शबीर आहलूवालिया के लिए। दरअसल शबीर ने एक्ट्रेस कांची कौल से शादी की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात हुई कैसे थी और कैसे हुआ दोनों को प्यार? तो आपको बता दें कि इन दोनों को मिलाने का काम किया था खुद एकता कपूर ने ही। यहाँ दरअसल इनकी मुलाकात कॉमन फ्रेंड एकता कपूर के जरिए हुई थी और उसके बाद ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। शबीर और कांची दोनों ही काफी प्राइवेसी को मेंटेन करने वाले लोगों में से एक हैं और शायद इसी वजह से सभी को इनकी लव स्टोरी के बारे में कोई खबर तक नहीं मिली थी। अपने रिलेशनशिप और सगाई को काफी सीक्रेट रखने के कारण शबीर और कांची ने अपनी शादी और शादी के बाद की सारी अपडेट मीडिया के साथ शेयर कर अपने फैंस तक पहुंचाई थी। शबीर और कांची 27 नवंबर 2011 को एक दूसरे संग शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। कांची ने अपनी वेडिंग में अनामिका खन्ना की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी थी, वहीं शबीर ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी थी। इस प्रोग्राम में कई बड़ी नामचीन हस्तियों ने शिरकत की थी, जिसमें रितेश देशमुख, डीना मौर्या, हितेन तेजवानी, गौरी तेजवानी, आशीष चौधरी और एकता कपूर जैसे बहुत सारे स्टार शामिल थे। कांची और शबीर की शादी को हुए अब लगभग 9 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है और उनके बीच का प्यार भी समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कांची के मुताबिक शादी के बाद उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि शादी के बाद क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आया, तो उन्होंने कहा था, नहीं, कुछ भी नहीं, लाइफ तो और अच्छी हो गई है, ऐसा लगता है कि मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हुई है। 23 जुलाई 2014 को इस कपल ने अपने पहले बच्चे अजय का स्वागत किया था। उनके पहले बच्चे के पैदा होने पर उनकी खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कपल ने 18 फरवरी 2016 को अपने दूसरे बच्चे लवार आहलूवालिया का स्वागत किया। हालांकि अब कांची जहां टीवी शो से दूर है, तो वहीं शबीर एकता के ही शो कुमकुम भाग्य में नजर आ रहे हैं और सभी के दिलों पर छाए हुए हैं।